बकरीद पर बहुत बड़ी तैयारी में थे भाईजान, तभी योगी को पहुंची खबर। योगी ने खुल्लम खुल्ला कर दिया बड़ा ऐलान। इधर योगी ने ऐलान किया, उधर भाईजान ने कार्यक्रम बदला। जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पाएंगे, सादगी से बकरीद मनाना पड़ेगा। योगी ने उतार दी स्पेशल टीम, आसमान से भी रखी जाएगी नजर। कुर्बानी से पहले आदित्यनाथ की चेतावनी, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे इधर उधर। बकरीद सामने है और कुर्बान से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। बकरीद पर कोई हुल्लड़बाजी काम नहीं आएगी, इसलिए योगी ने एक खास प्लान बनाया है। और जो लोग बकरीद के बहाने बहुत बड़ी तैयारी में थे, उन्हें साफ साफ आगाह कर दिया गया है कि अब की बार इधर उधर मत करना, वरना अंजाम आपको भी पता है। यूपी वो स्टेट है जहां सड़क पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाती, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। और इस बार भी अगर किसी ने भी ऐसी गुस्ताखी की, सड़क पर नमाज पढ़ा, तो उसके खिलाफ पुख्ता बंदोबस्त कर दिया गया है। पिछले 7 साल में यूपी में नो दंगा, पिछले 7 साल में इसी यूपी में एक भी हिंसा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यूपी में काबा तो योगी आदित्यनाथ बाबा। भाईजान समझ चुके हैं, लेकिन हर पर्व त्योहार पर सरकार को दोबारा समझाकर भाईजान को याद दिलाना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने भाईजान को जो चेतावनी दी है, उसे जानने से पहले यूपी में कैसी तैयारी की गई है, जमीन से आसमान तक कैसे नजर रखी जा रही है, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में कुछ ऐसे पॉकेट बनाए गए जो अति संवेदनशील है, जहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए हर जिले में सुरक्षा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। सिर्फ लखनऊ में कितनी बड़ी तैयारी है, उसे देखकर अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होने वाला है। लखनऊ को 4 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया, 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में नमाज अदा की गई। 6 पुलिस कमिश्नर, 10 एडिशनल DCP, 21 ACP की तैनाती हुई है। इसके अलावा 52 प्रभारी निरीक्षक, 101 अतिरिक्त निरीक्षक तैनात किए गए। 4000 के आसपास पुलिस जवानों की तैनाती हुई है। पुलिस की 12 कंपनियां दिन रात लखनऊ में सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेंगी। धार्मिक स्थलों से लेकर अति संवेदनशील और जहां हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी वाला इलाका है, वहां तक पुलिस के जवान सहित खुफिया विभाग के लोग तैनात रहेंगे। पीस कमेटियों से भी कहा गया कि वो भी अपने अपने इलाकों में एक्टिव रहे। लेकिन इससे भी बढ़कर योगी की नजर एक और मामले पर है। बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंशी पशुओं की कुर्बानी रोकने के लिए सख्त आदेश जारी कर दिया है। योगी ने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ गायों से बहुत प्रेम करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी योगी की नजर है। अक्सर बकरीद पर कुर्बानी से पहले बकरों के साथ लोग सेल्फी लेकर डाल देते हैं, जो इस बार नहीं चलने वाला। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ योगी कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को यह तय करने को कहा है कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी खुले में हरगिज ना की जाए और साइड से खून नालियों में ना बहे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमूमन कुछ लोग बकरीद पर जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर कुर्बानी से पहले और बाद में जानवरों की सेल्फी की बाढ़ आ जाती है, जिसमें कुछ तस्वीरें बेहद विभत्स होती हैं। इसलिए ऐसा करने वालों को इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे योगी के इन फैसलों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।